नमस्कार, मैं हूँ सुनीता छेत्री। सुनीताज फैमिली किचन में आप सबका स्वागत है। आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज की रेसिपी शुरू करते हैं। मैं बना रही हूँ छोले। मैंने खस्ता कचौड़ी और छोले बनाए थे। खस्ता कचौड़ी की रेसिपी मैंने अपने कुकिंग चैनल में डाल दी है, आप देख सकते हैं। और छोले को मैंने रात भर अच्छे से धो के इसे भीगने के लिए रख दिया था, और मैंने कुकर में ही इसे भीगने के लिए रख दिया था, और उसमें एक चम्मच मैंने नमक डाल दिया था। तो चलिए अब इसको एक अच्छे से धो लेते हैं। दो तीन पानी से मैंने इसे धो लिया है। अब इसमें डालेंगे हम पानी, और जितने छोले हैं ना उससे थोड़े से ज़्यादा हमें पानी डालना है, क्योंकि छोले ने पानी अच्छी तरह से पी लिया है। तो देखिए बस एक इंच के करीबन हमें पानी इसमें डालना है, इससे ज़्यादा पानी हम नहीं डालेंगे। दो चम्मच हम रिफाइंड ऑयल डालेंगे। अब सरसों का तेल भी डाल सकते हैं। एक छोटी चम्मच डालेंगे इसमें नमक, और आधी छोटी चम्मच डालेंगे इसमें मीठा सोडा यानी खाने वाला सोडा, और इसको कवर करके हम इसमें लगाएंगे 3 से 4 सीटी लगने तक जो है इसे हम पकाएंगे। इससे ज़्यादा सीटियाँ नहीं लगानी। और जो छोटा वाला बर्नर होता ना हमें उसमें रखना है। बड़े वाले बर्नर में अगर रखेंगे आप तो इसमें आप 4 से 5 सीटी लगा सकते हैं। तो देखिए इसमें लग गई 4 सीटी, और उसके बाद देखिए छोले में दिखाती हूँ आपको कि कैसे गले हैं। देखिए बहुत बढ़िया अच्छी तरह से ये छोले गल चुके हैं। ये देखिए आपको मैं एक एक दाना दिखा रही हूँ, एक एक दाना ये अच्छे से गल चुका है। अब इस उबले हुए छोले को मैं दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर लूँगी, और सेम कुकर में मैं छोले बनाऊँगी। तो चलिए इसे खाली कर लेते हैं और कुकर को धो लेंगे। तो मैंने कुकर को अच्छे से धो लिया है। इसमें मैं डालूँगी 3 चम्मच सरसों का तेल। इसके अच्छे गर्म हो जाने के बाद मैं तड़का डालूँगी। तड़के में मैंने लिया है 1 तेज़पत्ता, दालचीनी का टुकड़ा, 1 बड़ी इलायची, और इसका मुँह खोल कर डालेंगे हम। और 4 से 5 मैंने लिया है लौंग, और 6 से 7 मैंने काली मिर्च लिए है, 1 छोटी चम्मच जीरा ली है, और आधी छोटी चम्मच हींग लिया है जो कि डाइजेशन का काम करेगी। तो चलिए अब डाल देते हैं हम तड़का। और इसको डालने के बाद आप थोड़ा सा पीछे हटके इसको चलाइएगा, क्योंकि लौंग जो है वो बड़े ज़ोर से चटकते हैं। और हमने ये अपने खड़े मसाले डाल दिए हैं। इसको डालने के बाद थोड़ा सा इसको भून लेंगे, और इसके बाद हम डालेंगे प्याज। मैंने 2 बड़ी साइज के प्याज को बारीक चॉप कर लिया है, इसे डालेंगे, और इसको हम ब्राउन होने तक भून लेंगे। पहले इसे लाइट ब्राउन करेंगे, फिर डालेंगे इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट। तो पहले प्याज को अच्छे से भून लेते हैं। तो ये देखिए प्याज थोड़ा भून गए हैं, लाइट पिंक कलर के हो गए हैं। तो अब इसमें डाल देंगे हम अदरक लहसुन का पेस्ट। तो मैंने 1.5 बड़ा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है, ये मैंने घर में ही बनाया है। तो इसको भी डाल के अच्छे से भून लेंगे जब तक कि अदरक और लहसुन का कच्चापन ना निकल जाए। तो इसको भूनने के बाद फिर हम डालेंगे इसमें टमाटर की प्यूरी। तो मैंने 3 छोटे साइज के टमाटर थे, तो मैंने मिक्सी में पीस के उसकी प्यूरी बना ली। तो इसे डाल लेते हैं, और आप टमाटर को बारीक बारीक चॉप करके भी इसमें डाल सकते हैं, वो आपके ऊपर है। तो चलिए इसको थोड़ा सा भून लेते हैं, और मिक्सी जार में थोड़ा सा पानी डाल के उसमें घोल के फिर हम थोड़ा सा इसको भी डाल देते हैं कुकर में। और फिर इसके बाद डालेंगे हम इसमें 2 छोटी चम्मच नमक। जब हमने चने उबाले थे ना तो उस समय भी हमने नमक डाला था उसमें, तो इसलिए आप अपने हिसाब से नमक इसमें डालिएगा। अब कवर करके 2 मिनट के लिए हमें मीडियम टू लो फ्लेम में इसे पका लिया है टमाटर और प्याज के पेस्ट को। तो चलिए ये अच्छे से पक चुका। अब डालेंगे सूखे मसाले, 1 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 2 छोटी चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, और 2 छोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। ये सब डाल के इसको अच्छे से भून लेंगे। और इस समय मैंने गैस का फ्लेम एकदम लो किया हुआ है, और इसी में कम से कम 1 या 2 मिनट के लिए ऐसे भून लेंगे इसे। और भूनने के बाद फिर हम इसमें थोड़ा सा डालेंगे पानी, जिससे कि मसाले आपस में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तो चलिए पानी डाल दिया हमने इसमें थोड़ा सा, अब इसको मिक्स कर लेते हैं। और मिक्स करने के बाद हम इसे थोड़ा सा कवर करके पकने देंगे लो टू मीडियम फ्लेम में 2 मिनट के लिए। 2 मिनट में ही हमारा मसाला ये तैयार हो जाएगा। तो देखिए 2 मिनट हो चुके हैं, और अच्छे से मसाले हमारे पक चुके हैं। और एक बार इसे थोड़ा सा अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, और कलर देखिए इसका कितना बढ़िया कलर आया है इसका, एकदम रेड कलर, ऑरेंज रेड कलर कहना चाहिए जिसे। तो ये देखिए 1 से 2 मिनट मैंने ऐसे ही बिना कवर करे हुए इसे भून लिया है। अब डालते हैं छोले। तो छोले को देखिए मैंने कटोरी में ट्रांसफ़र कर लिया था, अब इसमें डाल देंगे। और हमें सभी छोलों को इसमें नहीं डालना है, थोड़े से छोले को हम बचा लेंगे और इसको हम मैश कर लेंगे। जब हम
छोले को मैश करके इसमें डालते हैं ना तो ग्रेवी बहुत अच्छी हो जाती है। तो देखिए हमने ये मिक्स कर लिया है और छोले को भी हमने जो बचाए थे ना उसे भी हमने मैश कर दिया है। तो चलिए इसको भी डाल लेते हैं। ये देखिए इससे ना ग्रेवी बहुत अच्छी बनेगी हमारी। तो चलिए इसको डाल लेते हैं और डालने के बाद फिर एक बार हम इसे मिक्स कर लेंगे। और जो इस कटोरी में थोड़ा सा ये छोले का ये बैटर बचा है ना तो इसको भी पानी डाल के हम इसमें डाल देंगे छोले में। तो बस इससे ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे हम, पहले इसको एक बार मिक्स कर लेते हैं। अगर इसमें पानी की ज़रूरत होगी तो हम थोड़ा पानी डालेंगे, वरना ऐसे ही ठीक है। तो थोड़ा सा हमें पानी की ज़रूरत लगी तो हमने इसमें थोड़ा पानी डाल दिया है आधा कप के करीबन। और इसको एक बार अच्छे से मिला के अब इसको कर देंगे कवर और इसमें लगाएंगे हम 2 सीटी। 2 सीटी से ज़्यादा नहीं लगाना है। तो देखिए ये ठंडा हो चुका है 2 सीटी लगने के बाद। और देखिए कलर, देखिए कितना प्यारा कलर आया है और छोले हमारे बहुत ही बढ़िया बने हैं। ये देखिए बहुत अच्छे छोले बने हैं। और मेरी रेसिपी आपको कैसे लगती है कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आधी छोटी चम्मच अमचूर पाउडर और 2 चम्मच एक लगभग हम डालेंगे इसमें छोले मसाला। और बस अब इसको मिक्स कर देते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन बटन जरूर दबाएं, जिससे कि मेरी आने वाली रेसिपी आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए अब डाल देते हैं इसमें ढेर सारा हरा धनिया। और हरा धनिया डालने से तो सब्जी की रंगत ही चेंज हो जाती है, उसकी शक्ल सूरत एकदम चेंज हो जाती है। तो देखिए हमारे छोले इतने अच्छे बने हैं ना, देखने में यकीन मानिए बहुत ही अच्छे बने हैं। और इसकी थिकनेस भी बिल्कुल बढ़िया है। थोड़ी देर बाद ये थोड़े से और थिक हो जाएंगे, मैं आपको पास से दिखाती हूँ। देखिए बहुत ही अच्छे छोले बने हैं। मैंने गैस का फ्लेम बंद कर दिया है और छोले हमारे तैयार हो चुके हैं। ये छोले मैंने खस्ता कचौड़ी के साथ बनाए थे। खस्ता कचौड़ी की रेसिपी मेरे चैनल में आ चुकी है और उसे आप मेरे चैनल में देख सकते हैं। और छोले की रेसिपी अब आ रही है तो इसे भी पूरा देखिएगा। मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं मिलती हूँ आपसे किसी नई इंटरेस्टिंग रेसिपी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।